और में खानपान को लेकर एक अनोखी प्रदर्शनी देखने को मिली। बता दें कि खानपान को लेकर लगाई गई यह प्रदर्शनी इंदौर में आयोजित दो दिवसीय डायबिटीज मेले में लगाई गई, जहां खाने की प्रदर्शनी के माध्यम से यह दिखाया गया कि क्या खाने से कितनी कैलोरी मिलती है। खाने की इस प्रदर्शनी में एक और पौष्टिक भोजन को रखा गया तो वहीं दूसरी ओर फास्ट फूड को रखा गया, जिसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमें कम से कम कैलोरी वाला अच्छा और सेहतमंद खाना ही खाना चाहिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जहां क्रमशः 200 कैलोरी, 500 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी और 2000 कैलोरी वाले खानपान की चीज़ें इस प्रदर्शनी में दिखाई। विभिन्न प्रकार के फलों से लेकर ड्राई फ्रूट आहार भोजन व चाइनीज फास्ट फूड वाले व्यंजन यहाँ स्टॉल में सजाए गए, जिन सभी को खाने से कितनी कैलोरी मिलती है, किस व्यंजन में कितनी कैलोरी होती है, तमाम चीज़ें इन व्यंजनों पर चिट के माध्यम से दर्शाई गई। डायबिटीज मेले में लगाई गई खानपान की अनोखी प्रदर्शनी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बनी। इसके अलावा डायबिटीज मेले में खानपान की तमाम डिशेज भी लोगों को सिखाई गई, जहां कुकरी शो के माध्यम से डायबिटीज से ग्रसित लोगों के लिए एक से बढ़कर एक तमाम डिशेज लोगों को सिखाई गई। बता दें कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें डायबिटीज के मरीज को खानपान का बेहद ख्याल रखना पड़ता है। यही कारण है कि इस प्रकार की खानपान की प्रदर्शनी इस मेले में लगाई गई। सृजा राय ने बताया कि हर एक डायबिटीज पेशेंट को अपने खानपान का बेहाल रखना पड़ता है। खानपान में थोड़ी सी भी लापरवाही डायबिटीज पेशेंट के स्वास्थ्य को और अधिक खराब कर सकती है। कई बार हम पौष्टिक भोजन को छोड़कर ज़्यादा कैलोरी वाले फास्ट फूड की ओर रुख करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक है। यही कारण है कि डायबिटीज मेले में खानपान की इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को यह नॉलेज देने का प्रयास किया गया है कि क्या खाना उनके लिए और उनकी सेहत के लिए फायदेमंद और सही है। बताना चाहते हैं कि ये एक दिन का यहाँ पे कैलोरी इंटेक रखा हुआ है यहाँ पे, जब तो एक दिन के हिसाब से यहाँ 1000 किलो कैलोरीज का खाना रखा हुआ है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि जो जंक फूड रखा है वो सिर्फ एक प्लेट के मील में आपको उतनी ही कैलोरी मिल रही है, तो ये पूरी तरह से आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। तो रादर देन दिस आपको हेल्दी फूड की तरह स्विच करना चाहिए और उसी के साथ ये डेली कैलोरी इंटेक जो है वो आपको लेना चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्दी भी होगा और आपका डेली जो आपका कैलोरी इंटेक है उसको रेगुलरिटी भी मेंटेन करते रहे। ठीक है मैम, एक बार अपना शुभ नाम बताइएगा। श्रीजा राय। धन्यवाद।